ये आती है 3D आईलैश। हाँ, ये जिसके ऊपर नीचे बाल निकले हुए होते हैं इसको 3D आईलैश। हाँ, इसको 3D आईलैश। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बहुत सूट करती है, क्या है? हाँ, अभी मैं आपके लगा, आपने 3D लगाई? नहीं, अभी मैं लगाऊंगा ना, मेरा तो नेक्स्ट टारगेट ये है। हाँ, सादिया इमाम मेरी नेक्स्ट मॉडल होंगी और आईलैशेस लगा के हम पूरे मेकअप को लुक दे देंगे। ओके, सो क्या है कि हम बोलते हैं कि जी हमने ये 4,000 की खरीदी है, 5,000 की खरीदी है, हम इसको काटेंगे नहीं। हाँ। जब आप काटते नहीं है, इसको धो के वॉश करके, जब हम इसको काटते नहीं तो आपकी आंख का शेप खराब हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि आखिर से मैंने इसका एक, मैंने ये आउटर साइड से मैंने ये एक काट दिया, निकाल दे इसकी आंख के हिसाब से ना, इसकी आंख के हिसाब से। उसके बाद वो होता है ना कि अल्लाह की महंगी की लंबी आते हैं। बिल्कुल, व्हाइट वाला कम रखा है। और ये लैश तो वो है जो आप वॉश करके रख सकते हैं, कई दफा यूज होता है। मैंने यूज किया है। इसको वॉश करने का तरीका क्या होता है? इसको आप नॉर्मल आपने निकाला, इसको पीछे साफ किया पानी से, आप डायरेक्ट उसको जो शैम्पू वाला पानी या क्या, कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल पानी में थोड़े डिप रहने दें, ये खराब नहीं होती। उसके बाद जो आईब्रो ब्रश होता है उससे आप यूं यूं वॉश कर दें, क्योंकि जब आप पानी में डिप करेंगे तो जो ग्लू है वैसे वो सॉफ्ट हो जाता है, रबर जैसा आ जाता है। आप इसको वॉश करके दोबारा इसके ही उसमें रख सकते हैं। मेरे पास डेट्स आ रही हैं। जब तुम लोगों ने शो किया था, देखा था ना जो अलमारी खोली थी, कितनी सारी लैश लैश लगाने से पहले आप लैश के एंगल बना लें इस तरीके से। हाँ, लैश खोले जरूर प्लीज, ये कर लें, एंगल बना लें ताकि आराम से लगे। उसके बाद आपने क्या करना, अच्छा अगर आप छोटी वाली पतली वाली सिंगल वाली आईलैश लगा रहे तो वो भी आप आंख को खींच के लगाएं ताकि परफेक्ट लगे। अच्छा बात सुनो, एक मिनट मिलोड, जब हम सब लगा रहे हैं, साजिद, जब हम लैश खुद लगा रहे हैं, मेरी तो आंखें बंद हो जाती है। अच्छा, जैसे आप 3D आईलैश लगा रहे हैं तो उसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ आंख खोलें और नीचे देखें और लैशेस हमें बिल्कुल इस तरीके से खोल के आंख लगा, ये नीचे देख के, और आपने सिंपल ये रख के, आपने ये रखा, ये लग गया, और खींच के लैश को यहाँ चिपका दिया। खोलो और लैश को, मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ हरे को थोड़ा सा कॉर्नर उठा, ये लग गए आराम से, दिखा सकते हैं आप, दिखाओ। ये फर्क तुम महसूस करना अभी इसमें। ये मेरी टिप है। अच्छा, ये खोल के लगाते हैं तो अगर उठा के गैप आ जाए, दोनों लैश नहीं आते, लाइनर साफ फिल कर ले। ओके, ये एक टिप, टिप नंबर टू, अगर आंख लैश उठा के लगा रहे हैं तो आपकी लैश और उस लैश में गैप आ जाएगा। तो सादिया कह रही है कि लाइनर अंदर फिल कर सकते, ताकि आंख खुली भी लगे और बड़ी लगे। अब देखें कितनी खुली आंख लग रही है, जो उनके लिए जिनको होता है ना प्रॉब्लम छोटी आंखें, छोटी आंखें, ये देखिए। तो हमारा ये एक आंख कंप्लीट हो गया, जबरदस्त। चलो एक आंख, एक वाली बस, तुम्हें एक आंख से खड़ी हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं तनी बाजी, इजाजत है अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो अपनी आंख को यह रखें आप लैश को, और अपनी आंख से ऐसे उठा लो, पूरा ऐसे पूरा उठाएं, अब खुल तो चुभेगी भी नहीं, तो हो गया क्या, चुभती नहीं है, फिर आंख आपकी बहुत लिफ्ट मिल जाती है। फिर हल्का सा आंख हाथ से यू यू कर दें, बहुत लिफ्ट भी ना दे दें, पता चला कहां पहुंच गई, उठा के ब्लो ड्राई कर दिया।